यार टाइगर थ्री को लेके काफी बातचीत चल रही थी, लेकिन जवान के साथ जो कि हम बात कर ही चुके हैं, टीजर देखने को नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है फिल्म से कि बढ़िया देखने को मिलेगी। हालांकि टीजर के बारे में बात चली रही है तो आपको बता दें कि एक खबर फिर से निकल के आ रही है जिसमें हमको देखने को मिल रहा है कि 27 सितंबर यानी इसी महीने की 27 तारीख को जो हमें टाइगर 3 का टीजर ग्लिम्स हमको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है अब तो दे ही देना चाहिए, क्योंकि सेप्टेम्बर के महीने के बाद तक तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप देखें तो फिल्म जो है 10 नवंबर के आसपास में लगनी है, फिल्म 10 नवंबर समथिंग में, तो अगर आप देखें तो अक्टूबर का पूरा मंथ और इसके 10 दिन, तो एक तरह से 40 दिन का ही वक्त बचेगा। और अगर उसके भी कम, उससे भी कम दिन में अगर आप टीज़र ही दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी प्रोडक्टिव है या कहीं से भी ये चीज़ सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आएगी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। इतना भी अगर फिल्म को लेकर वो क्रिएट हाइप आप क्रिएट कर रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ दोगे ही नहीं तो वो कोई सेंस नहीं बन जाता। वो फिर ऑडियंस के पास, न्यूट्रल ऑडियंस के पास फिल्म पहुँचे उसके लिए वक्त चाहिए होता, आपको बहुत लंबा वक्त चाहिए होता। तो ऐसे में टीज़र का और ज़्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए, मुझे लगता सेप्टेम्बर के मंथ में ही टीज़र देखने को मिल जाना चाहिए। और उम्मीद यही है कि देखने को मिल जाए, अगर और पहले मिल जाता तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि फिल्म का जो है टाइगर 3 का जो टीज़र है वो हमको देखने को मिलने वाला 27 सितंबर को हमको वो देखने को मिलेगा। और उम्मीद है अगर वाकई 27 सितंबर को देखने को मिल जाता तो मज़ा आ जाएगा, ऑडियंस को कम्प्लीटली बेहतरीन तरीके से होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है और काफ़ी ज़्यादा हाइप है फिल्म की। और जिस लेवल का रिकॉर्ड बनाएगी वो तो फिर सोचे भी नहीं जा सकते, एक तरह से कह सकते हैं हो सकता है फर्स्ट डे कलेक्शन ही 75 करोड़ समथिंग का फर्स्ट डे कलेक्शन ही देखने को मिल जाए जहाँ तक बात की जाए। और पोस्ट दिवाली यानी दिवाली के ठीक नेक्स्ट डे वाला जो दिन रहेगा उस दिन तो आप कुछ नहीं कह सकते, इवन 80 करोड़ या 85 करोड़ भी कलेक्शन एक दिन का, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी का कलेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अलग ही लेवल के रिकॉर्ड्स और सब कुछ होने वाले हैं जहाँ तक देखी जाए बॉक्स ऑफिस की बात। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब वगैरह पर भी देखें तो क्या लाइक्स और व्यूज़ के रिकॉर्ड होंगे, फिर वो कहने की ज़रूरत ही नहीं है क्या किसी फिल्म के कलेक्शन हो पाएंगे, वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए ये है कि फिल्म का जो है टीज़र रिलीज़ कर दिया जाए, टाइम पर रिलीज़ किया जाए, काफ़ी बढ़िया होगा। और इवन पहले से अगर थोड़ा अनाउंसमेंट कर दे YRF तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा अगर आप देखें तो पोस्टर वगैरह भी एकदम से बस उन्होंने हट से दे दिया, आप देखें सलमान खान के ने भी पोस्ट कर दिया, वो दे दिया, YRF ने भी से पोस्ट करके दे दिया। उम्मीद ये है कि YRF पहले से थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर दे कि भाई टाइगर 3 का हम कुछ देने वाले हैं, या टाइगर 3 का कुछ आ रहा है, नेक्स्ट डे आएगा या 24 आवर्स में आएगा, ऐसा कुछ एक दिन पहले कम से कम दे दे तो ज़्यादा बेहतर होता है, वो ज़्यादा सही होता है। सारे मेकर्स ने यही किया, जितने भी बड़े बड़े रहते हैं, आप साउथ के जितने भी देखेंगे फिल्म्स को वो यही करते हैं। पुष्पा 2 का उन्होंने सिर्फ रिलीज डेट घोषित करी है, ना पोस्टर था ना कुछ था, उसके लिए भी उन्होंने बोल दिया भैया इतने बजे अपडेट आ रही है इसकी, सबको मालूम है कि रिलीज डेट ही आने वाली है, वो उन्होंने दे दी। ठीक, जवान के साथ भी उन्होंने यही किया कि अब ये होगा, अब वो होगा, अब ये होगा, अब वो होगा, फलाना ढिमकाना, उसी तरह से उन्होंने सारी की सारी चीज़ें की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सलार के साथ भी उन्होंने यही किया था, सभी बड़ी बड़ी KGF 2 के साथ भी यही किया गया, सारी बड़ी बड़ी फिल्मों से यही करते रहे, आदि पुरुष के साथ भी उन्होंने यही किया। तो ऑडियंस को पास पहुंचती है तो फिर ये व्यूज़ और लाइक्स जो रिकॉर्ड आप देखते हैं वो उसी वजह से हो पाते हैं, यूट्यूब पर पॉसिबल हो पाते हैं, या बिल्कुल और भी सारे फेसबुक वगैरह और सारे वीडियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये देखने को मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम भी, तो मज़ा आता है। लेकिन यहाँ YRF वो चीज़ नहीं करता हुआ दिखता, कभी भी हमको करता हुआ देखने को नहीं मिला, तो उम्मीद है कि इसमें देखने को मिल जाए। वैसे लगता तो नहीं है कि ऐसा कुछ करेगा, लेकिन फिर भी जब आएगा टीज़र तो बेहतरीन धमाका होगा, उसके बाद फिर हमको अक्टूबर के मंथ में ट्रेलर देखने को मिलेगा और फाइनली 10 नवंबर समथिंग में फिल्म देखने को मिलेगी, जो कि मज़ा आ जाने वाला था। टाइगर 3 को लेकर हाइप काफ़ी ज़्यादा है, उम्मीद है जल्दी टीज़र ड्रॉप किया जाए और ऑडियंस का जो है लंबा इंतज़ार खत्म किया जाए।